जोश में फ्रॉम गेमिंग जोश ये है एपिसोड फाइव ऑफ द गेमिंग जोश टॉक्स और लास्ट वीडियो में तो काफी काफी डांट पड़ी थी मुझे जब मैंने बोला था कि यस पब्लिक मॉल इंडिया आ चुका है डाउनलोड कर लो वो थंबनेल के साथ डाला था काफी लोग उसमें आके मुझे मतलब हेट दिया बट उसमें बहुत लोगों ने यह भी बोला कि यू आर राइट हमें फ़ेक न्यूज़ फ़ॉलो करना बंद करना चाहिए फिर भी मैंने कोई फ़र्क देखा नहीं अभी भी जो चैनल्स फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उनको वही व्यूज़ व्यूज़ मिल रहे हैं वही लोग आके देख रहे हैं वही लोग आके शेयर कर रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा बट लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी अभी तक क्या क्या हमें पता चला है पबजी मोबाइल और इंडिया के बारे में कब आ रहा है उसका अभी तक हमें कोई इंफॉमेशन नहीं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल रहा हूँ इन्फॉर्मेशन देने से पहले ही बोल रहा हूँ कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कब पबजी मोबाइल इंडिया ऑफिशियली अवेलेबल रहेगा कब उसका ट्रेलर आएगा ट्रेलर आएगा या गेम आएगा कुछ पता नहीं बट अभी तक जो इन्फॉर्मेशन पता चली है वो ये है कि एक तो अगर आप पबजी मोबाइल डॉट इन स्लैश न्यूज़ पर जाओगे तो एक न्यूज़ सेक्शन तो खुल चुका है लास्ट टाइम भी अगर आपने देखा होता तो ये तो थोड़ा थोड़ा खुल गया था बट ये जो राइट right में आपको ये टॉप सेक्शन दिख रहा है वहाँ पर ये देखिए ए पी के डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल रहा है सपोर्ट का नया ऑप्शन आ गया है तो ए पी के डाउनलोड इज नॉट गोइंग टू गिव यू ए पी के भाई अगर ए पी के ऑलरेडी दे देते तो मैं ये वीडियो ऐसे नहीं बनाता ना मैं सीधा बोलता डाउनलोड करो अब आपके सामने ही खोल रहा हूँ मैं देखो ए पी के डाउनलोड पर अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये पबजी मोबाइल डॉट कॉम पर जा रहा है और वहाँ पर अगर आप देखो तो ये वही सेम इन्फॉर्मेशन है जो जब बैन हुआ था गेम तो उस टाइम वाला ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको वापस मिल रहा है सो दैट इन्फॉर्मेशन इज़ कि अब टेंशन गेम से सारे सर्विसेज हम बंद करवा रहे हैं और पबजी मोबाइल के सारे जो राइट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो सब पबजी कॉर को जा रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है तो अभी के लिए देर इज़ नो चेंज इन दीज थिंग्स एक बात यह है कि यस ये एक नया सेक्शन आ चुका है एपी के डाउनलोड का सम थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग अच्छी बात है कि हमसे हमें कम से कम ये देखने को मिल रहा है कि यस पबजी मोबाइल के इंडिया वेबसाइट में अब चेंजेस आ रहे हैं ये दो चेंजेस हैं मगर एक चीज यह है फनी है मतलब इतना मुझे फनी लगा क्योंकि हम मतलब इतना सी से ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में हर न्यूज़ का ऐसे वेबसाइट में हर वेब हर चैनल पे ये वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी कि पबजी मोबाइल इंडिया मतलब पबजी इंडिया एक्चुअली तो पबजी इंडिया नाम की कंपनी अब रजिस्टर हो चुकी है PUBG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इससे पहले कब हमने सोचा था यार कि इतना हम जाके डीपली इसके कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे बट इस बार देख रहे हैं लोग क्योंकि है भी इतने लोग वेट कर रहे हैं जो गेम के लिए तो ऑब्वियसली ये भी काफ़ी लोग देखने गए थे कि यस हाँ ये तो ऑफिशियली कंपनी रजिस्टर हुए बैंगलोर में और पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दो डायरेक्टर्स है उसमें से एक डायरेक्टर है जिसका नाम एक सेकेंड में बताता हूँ नाम भी याद नहीं है बट आ, हाँ उनका नाम है ह्यूनल सॉन यूनिल सॉन इज़ द हेड ऑफ़ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट एट क्राफ्टन इंक पबजी कॉरपोरेशन तो वो आ, वन ऑफ द डायरेक्टर्स है और एक और एक नाम भी है वहाँ पर जो है कुमार कृष्णन अय्यर और ये ये जो पर्सनालिटी है इन, इनकी डायरेक्टरशिप एक्चुअली थोड़ी और कंपनीज में विच इंक्लूड स्पॉटिफाई इंडिया एक्वेदर तो शायद ऐसे हो कि ही वुड बी वन ऑफ द इन्वेस्टर्स और समथिंग जो इन्वॉल्व होके इस कंपनी को भी यहाँ पर डेवलप करने की और रजिस्टर करने की कोशिश करवा रहे हैं तो फाइनली ऑन ट्वेंटी फर्स्ट पब्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वॉज ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ इंडिया एंड दैट ऑल्सो गिव्स एन इंडिकेशन कि भाई बैकग्राउंड में काम चल रहा है ऐसे नहीं है कि सब कुछ रुका हुआ है और आपको जो बोला गया था सब फेक है बट ये भी ध्यान में रखिए ट्वेंटी फर्स्ट को जब कंपनी खुद रजिस्टर हुई है सो ऑब्वियसली टाइम लगने वाला है जो ट्वेंटी एथ का डेट था दैट वॉज फेक बिफोर दैट जो भी डेट था दैट वॉज ऑल्सो फेक अब अगर वो फोर्टीन को जो रिलीज डेट थी और ट्वेंटी एथ को जो रिलीज डेट थी उस डेट पर रिलीज करते और कंपनी भी रजिस्टर नहीं थी देन हाउ वुड यू डू दो ट्रांजेक्शंस वो भी एक सोचिए बात आप तो ट्रांजेक्शंस का मतलब है जो भी इनका आप आरपी खरीदोगे या जो भी यूसी खरीदोगे वहां पर वो खरीदने के लिए आप पेमेंट करते हो ना तो वो किसी कंपनी को तो जाएगा पेमेंट वो पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही रहेगा जो इसका पेमेंट्स का भी हैंडल करेगा आप अब वो रजिस्टर हुआ ट्वेंटी फर्स्ट का तो उससे पहले ऑब्वियसली गेम नहीं आने थी अब आगे जाके भी इनकी जो लिगेटी है अब कंपनी रजिस्टर हुई इसके बाद पेमेंट गेटवे के जो भी सोल्यूशन होते हैं वो सब सेट होंगे थोड़ा टाइम लगेगा मुझे इतना लग रहा है मतलब बेस्ड ऑन जो टाइमलाइंस होते हैं कि यार इतना अभी कंपनी बनी उसके बाद ये सब सेट होना है थोड़ा टाइम और लग सकता है बट लेट्स बी होपफुल ये एक अच्छी बात है कि कंपनी यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है इंडिया में और इसके साथ साथ थोड़ी चीज़ें यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है इनकी वेबसाइट में जो चीज़ें आ गई हैं वो एक बहुत अच्छी बात है यार कि ए पी के डाउनलोड का जो लिंक आ गया लिंक इज नॉट देयर बट एपी के डाउनलोड का जो सेक्शन आ गया इसका मतलब है कि कंपनी यहाँ पर काम कर रही है पबजी मोबाइल का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर प्रोग्रेस हो रहा है अब प्ले स्टोर में कब आएगा एप स्टोर में कब आएगा उसका कोई हमें आइडिया नहीं बट लेट्स बी होपफुल कि जल्दी आ जाए और थोड़ा सा फिर से मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे न्यूज़ फॉलो करें जहाँ पर एक्चुअली कुछ ट्रूथ दिखाया गया हो ऐसी जगह ना जाए जहाँ पर हर रोज आके बंदा बोलेगा कि कल आ रहा है दो बजे कल आ रहा है चार बजे वो चीज़ें आप किसी का भरोसा मत करें मतलब इट्स ऑल अबाउट गेनिंग देर ओन पर्सनल यहाँ पर व्यूज़ और खुद का चैनल बढ़ा रहे हैं लोग और यहाँ पर कोई ट्रू इनफॉर्मेशन नहीं दे रहा किसी को पता ही नहीं इन्फॉर्मेशन अब सोचो जब अभी मैंने आपको जो बोला लॉजिक की बात है कि जब आपको मैंने बोला कि अगर अब कंपनी रेस्ट हुए तो ऑब्वियसली उसको और टाइम लगेगा गेम आने में तो ये ऐसी तरह से सोचोगे तो बेटर रहेगा ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी बंदे ने कुछ बोल दिया तो आप भी ब्लाइंडली उसको फॉलो करो तो राइट दिस वॉज अ क्विक टॉक अबाउट द पब्जी मोबाइल इंडिया का राइट right नाउ जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में आगे के और भी ऐसे अपडेट देता रहूँगा जो भी ऑफिशियली पता चलेगा उसके हिसाब से तो स्टेटमेंट रहिएगा उसके लिए इस वीडियो में इस वीडियो को लाइक करना बोले इस वीडियो को शेयर करना बोले और सब्सक्राइब कीजिए उसको कि तो जो शायसी माई नेक्स्ट वीडियो